कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंध था, इसके सेल और प्रोडक्शन तक प्रतिबंध था, लेकिन उसके बावजूद पटाखे जले हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। या बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कारण पटाखे जले। निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जिस तरह से, भाई भाजपा की 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो किसी ने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से, मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, टीएमसी के सांसद साकेत गोखले, दोनों ने इसे लेकर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन था। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि लटियन दिल्ली में देर रात तक 2 बजे तक पटाखे जलते रहे। साकेत गोखले ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी थी कि इसको इम्प्लीमेंट कराना, लेकिन वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है, तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है, तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। जी, आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी रह गई, क्योंकि पहले से जागरूकता अभियान भी चल रहा था, आप लोग भी लगातार अपील कर रहे थे? नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले, और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। जी, आज आपने रिव्यू मीटिंग बुलाई है पूरे मामले परिदृश्य को लेकर, क्या कुछ चर्चा होगी? नहीं, अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे एनसीआर में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पे आज समीक्षा करेंगे। आपने कहा था ऑड इवन को लेकर दिवाली के बाद समीक्षा बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या उस पर चर्चा होगी और आपको लगता है कि उसकी जरूरत है अभी? वो सारी परिस्थितियों पे चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि 292 ही एक्यू आई है और पिछले दिनों में हमने देखा 400 को पार कर गया था जब ऑड इवन की चर्चा हो रही थी, तो आपको लगता है कि कुछ ढील दी जानी चाहिए या इसे बरकरार रखना चाहिए? उसके लिए मैंने आज 12 बजे बैठक बुलाई है और सभी पहलुओं पे एक बार चर्चा करेंगे और फिर उसके अनुसार आगे का निर्णय